याम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज है शिक्षक दिवस और आज ही के दिन जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती जो मनाई जाती है। और आज के दिन ही किसी ने किसी की लाइफ में कोई ना कोई जो है शिक्षक के तौर पर यानी कि गाइडेंस के तौर पर कार्य करता है। वो माँ बाप हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। तो आज का दिन जो 5 सितंबर का जो मनाया जाता है वो शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस की सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज की बड़ी खबर में चर्चा कर लेंगे। ELT ग्रेड विज्ञप्ति कब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आ रही है, जो जानकारी अंतरखाने से पता चली है और ये आप लोगों की क्वेरीज भी बहुत सारी थी। वहीं BPO परीक्षा कब तक कराने जा रहा है UPSSC, इसकी भी आपकी क्वेरीज थी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इस भर्ती का आवेदन जो शुरू हो गया है और हाल फिलहाल में कौन सी नोटिस जो है UPSSC सब जारी हो सकती है, क्योंकि बैक टू बैक जो 2 से 3 नोटिस थी इसकी चर्चा पहले की वीडियो में की जा चुकी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाए। कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सकें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर 18 पदों पर भर्ती को लेकर के इंटरव्यू तीसरे हफ्ते का। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्राथमिक शिक्षा विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो आयुष यूनानी विभाग के 18 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार जो होगा वो तीसरे वीक से जो है शुरू होगा। अगली खबर जो है DELED को लेकर के, ये पहली बार नहीं हुआ, हर बार जो ऐसी भी संगतियां देखने को मिलती हैं। एक अनुक्रमांक की 2 कॉपियां रिजल्ट जो है फंस गया। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 में गड़बड़ी का मामला फिर सामने आया और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान ये चीज़ें सामने आई, जिसमें एक बंडल में एक ही अनुक्रमांक की 2 उत्तर पुस्तिकाएँ मिली हैं, जिसके कारण जो परिणाम जारी नहीं किया गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद PNP की तरफ से जो है परिणाम जो है जारी कर दिया जाएगा और इसको लेकर के PNP के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जो है कार्यालय में बुलाकर ऐसे अभ्यर्थियों की जाँच भी करा रहे हैं। अगली खबर जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक के 300 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर 4 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। रिक्त पदों में 48 पद पुरुष के हैं, 252 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 85 अंकों की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होंगी। बहुविकल्पी होती है, मुख्य परीक्षा लिखित होगी। इसमें पूरा यहाँ पर डिटेल दिया गया है, तो जो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो एक बार पूरी डिटेल्स की जानकारी जरूर लेके तभी फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि किसी प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट की विसंगतियाँ होंगी तो लास्ट चरण में भी आयोग जो है बाहर का रास्ता दिखा देता है। तो आयुष विभाग में स्टाफ नर्स के 300 पदों पर जो है सोमवार से ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो गए हैं। अगली खबर जो है यूपी की तेज चाल, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के द्वारा डेक टेबल पर 3 दिन से ज़्यादा न रुके फाइली, ऐसे कई बार कहा जा चुका है लेकिन कुछ हद तक जो काम देखने को मिलते हैं उसके बाद जो वो ढाक के 3 पात निकलते हैं। लेकिन सरकार की यही कोशिश है कि जो है सारे आयोग तय समय पर काम करें, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप बाहरी नहीं, यानी कि शासन स्तर से हस्तक्षेप नहीं। जो कार्यप्रणाली आयोग की है वो किसी भी भर्ती प्रक्रिया को निर्णय ले सकता है। उसी के संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ELT ग्रेड की विज्ञप्ति जो 6500+ पदों की जारी होने वाली, जो जानकारी प्राप्त हुई है सूत्रों के माध्यम से कि नवंबर के लास्ट तक जो है ELT ग्रेड की विज्ञप्ति को लेकर के में काम चल रहा है और वो 60 नोटिस जो नवंबर के लास्ट तक ही देखने को मिल सकती है। और उसके साथ ही साथ आयोग में जो APS और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो भर्ती प्रक्रिया उसमें 1 हफ्ते तक विलंब हो सकता है और परीक्षाएं APS की जो है वो नवंबर में ही कराने की आयोग की तैयारी है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। और वहीं सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर के जो परीक्षा होगी टेंटेटिव माह है, उसमें दिसंबर में भी आयोग इसकी भी परीक्षा करा लेने की, क्योंकि आयोग के कार्यों में जो है बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि फॉर्म जितना लेट आया उससे कोई मतलब नहीं, परीक्षाएँ बहुत तेज़ी के साथ आयोग कराएगा, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये लोक भवन में सोमवार को नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे थे, उसी समय जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो कुछ चीज़ें कहा गया आज के समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से छाई हैं, जिसकी अपडेट आपको पहले ही एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर कल ही दी गई थी। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर UPSSC से समग्र भर्ती के लिए PET यानी कि इसकी परीक्षा जो होगी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की 28 और 29 अक्टूबर को, कुल फॉर्म पड़े हैं 20 लाख लोग जो बैठेंगे। अब पिछली बार जो है ये आंकड़ा काफ़ी अधिक था, लेकिन इस बार दिक्कत ये होगी कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वेरीज थी कि बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करते, साइट चल नहीं रही थी तो पेमेंट वो नहीं कर पाए, जबकि फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर चुके थे। रजिस्ट्रेशन की संख्या के अकॉर्डिंग कंप्लीट फॉर्म जो वो कम पड़े अब की बार। तो अन्य सेवा चयन आयोग में समग्र पदों की भर्ती के लिए जिसमें जो है लोअर ASO वगैरह की जो भर्तियाँ ये सब भर्ती इसी के माध्यम से होंगी, तो परीक्षा जो है 28 से 29 अक्टूबर को, जिसके नोटिस जो है कल UPSSC के द्वारा जारी कर दी गई और वो चैनल पे आपको अपडेट कल मिल गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश नर्स सेवा चयन आयोग की तरफ से BPO परीक्षा में जो है सिलेबस परिवर्तन होगा और इसमें कंप्यूटर UP स्पेशल के क्वेश्चंस यानी कि सिलेबस में जुड़ेंगे, तो इसलिए जो है तैयारी करते रहें। और BPO परीक्षा जो होगी वो दिसंबर के 1st वीक तक UPSSC आयोजित करा सकता है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई। तो इसकी तैयारी करने के लिए जो है कट ऑफ की चर्चा कर ले तो 71 से 72 जो है अगर ±2 में है तो फिर वो BPO परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग जो है उनकी हो जाएगी। तो अभी आप इसलिए सिलेबस जो है कुछ दिन में जो है वो जारी हो जाएगा, उसी के आधार पर परीक्षा जो दिसंबर के 1st वीक तक जो है आयोग करा सकता है BPO परीक्षा। और वहीं बात कर लेते हैं जो ASO रिजल्ट पे लेकर के आयोग की नज़र, तो ASO रिजल्ट पे लेकर के काम तेजी के साथ चल रहा है। 2 से 3 बातें जो है ASO रिजल्ट में है, वो एक है कि दूसरी लिस्ट जारी होगी कि नहीं होगी और परिणाम कब तक आएगा। तो आपको बता दें कि 25 सितंबर के पहले जो है परिणाम कंबाइंड टेक्निकल ASO
और बंदोबा को लेकर के नोटिस। इसके संदर्भ में ये तीन नोटिस जो बैक टू बैक आपको देखने को मिलेगी यूपी ट्रिपलएससी की साइट पे, तो थोड़ा सा इंतजार करो। और एसओ रिजल्ट को लेकर जो सेकंड लिस्ट है, सेकंड लिस्ट अभी हाल फिलहाल में चर्चा नहीं है क्योंकि 90 ईडब्ल्यूएस को लेकर के 72 स्टूडेंट जो है उपस्थित हैं, यानी कि हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। इसलिए जो है सेकंड वेटिंग लिस्ट अभी हाल फिलहाल में आने की चांसेज कम है। वेटिंग लिस्ट इन द सेंस ये है कि अगर कैंडिडेट उसमें कैटेगरी में नहीं होंगे तो आयोग जो है उसके लिए फिर से निकाल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो है परिणाम जारी करेगा, उसके बाद ही जो है, क्योंकि इसमें लेट लतीफी देखने को अब नहीं मिलेगी। एसओ रिजल्ट की बात कर रहे हैं। नई भर्ती को लेकर जो आप लोगों के क्वेरीज थे एसओ को, तो एसओ की नई भर्ती को लेकर काफ़ी बार वीडियो में बताया गया था कि अगर आयोग कार्य तेजी के साथ करता तो ये शायद भर्ती अब तक आ गई होती, क्योंकि इसकी जो मैयाद थी वो अगस्त तक जो है नोटिफिकेशन जारी होने का था 1300 से 1500 पदों को लेकर के। लेकिन अब ये कन्फर्म है कि ये भर्ती पिट 3.0 के आधार पर जो है मार्च अप्रैल में जो है देखने को मिल सकती है। एएसओ की नई भर्ती जो है वो पेट 3.0 के आधार पर। तो इसको लेकर के जो क्वेरीज थी, और वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वीडियो री एग्ज़ाम की आंसर की जारी होगी और इसके परिणाम जो होंगे दिसंबर के लास्ट तक जो है यूपी ट्रिपलएससी से जारी हो जाएंगे, और चुनाव में जाने के पहले एक दिन नियुक्ति पत्र का वितरण भी जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है इस भर्ती का भी कराने की तैयारी है। तो अभी हाल फिलहाल इंतजार करें, जैसे भी इसमें कुछ और अपडेट होती वो भी आपको चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। शिक्षा इस वीडियो को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती। खबरें छोटी हों या बड़ी हों, आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले।